हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वी नो द थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज द रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकेंड इज साइज बेस्ड, एंड थर्ड इज द ऑनरशिप बेस्ड इंडस्ट्री। वी आल्सो रीड द रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज। दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो स्टार्ट। साइज, इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट, नंबर ऑफ पीपल इम्प्लॉयड, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बेस ऑन साइज। यानी कि अगर हम देखें तो जो साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज में अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कितना पूंजी है, कितनी पूंजी इन्वेस्ट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम साइज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। सेकंड, उसमें जो हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड यानी कि वहाँ पर उस इंडस्ट्री में कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसकी संख्या कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो इंडस्ट्री है उसको साइज में डिवाइड करते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इंटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है साइज़ के अकॉर्डिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री आर ए टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर द प्रोडक्ट एंड मैन्यूफैक्चर्ड बाई हैंड बाय द एरिसेंट्स। यानी कि जो कॉटेज एंड हाउस होल्ड यानी कि जो कुटीर एवं लघु उद्योग हैं उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में रखते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट होता है, जिसमें जो वस्तु होती है, जो उत्पादन होता है, वो मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड यानी कि हाथों के द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम स्मॉल इंडस्ट्रीज में रखते हैं। एग्जाम्पल देखें, बास्केट वेविंग यानी कि जो हम बास्केट यानी कि जो टोकरियाँ बनाने की जो काम है, पोल्ट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल फॉर कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल है जिसमें बास्केट यानी कि जो अपनी जो टोकरियाँ बनाने से रिलेटेड है और अदर जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट के जो काम है वो सब कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें बहुत कम जो अमाउंट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी का बहुत कम उपयोग किया जाता है, यानी कि उसमें पैसा बहुत कम लगता है, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी थोड़ी कम होती है कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो बड़े स्तर के जो उद्योग हैं उनके कंपेरिजन में, उनकी तुलना में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उसमें पूंजी और तकनीक का कम इस्तेमाल किया जाता है। दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम देखें तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है और साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत उच्च श्रेणी की उसमें इस्तेमाल की जाती है। स्केल वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीन आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अगर हम देखें तो जो प्रोडक्शन जो ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी यानी कि जहाँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज़ किया जाता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। द थर्ड टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ओनरशिप बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासीफाइड इंटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओनर्ड और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ओनरशिप यानी कि जो उसके ऊपर जो उत्तरदायित्व के आधार पर अगर हम देखें, स्वामित्व के आधार पर हम देखें, तो जो इंडस्ट्रीज़ है ओनरशिप के अकॉर्डिंग फोर टाइप्स की होती है। प्राइवेट यानी कि जो निजी
सेक्टर होते हैं स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर यानी कि जिस पे गवर्नमेंट का जो अधिकार होता है वो। थर्ड इज़ जॉइंट सेक्टर जिसमें कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का उसमें अधिकार होता है। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, और कोऑपरेटिव मतलब जो आपस में लोग मिलकर एक जो इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप करते हैं। तो ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रीज है वो फोर टाइप्स की होती है। फर्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जिस इंडस्ट्री में ओनर एंड ऑपरेट यानी कि उसको चलाने का काम एक व्यक्ति या एक समूह के द्वारा किया जाता है वो उसे हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में लेते हैं। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें ओनर यानी कि उसके मालिक और ऑपरेटेड यानी कि उसे चलाने का काम गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा किया जाता है उसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। सच एज हिंदुस्तान एरोनियल्स लिमिटेड, यानी कि जो हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो सारी प्राइवेट सेक्टर सॉरी पब्लिक सेक्टर में आती है। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो दोनों हैं वो पब्लिक सेक्टर जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑनर्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि हम देखते हैं स्टेट यानी कि जो सरकार और एक जो निजी व्यक्ति की जो आपस में जो जॉइंट इंडस्ट्रीज होती है वो जॉइंट सेक्टर में आती हैं। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें मारुति उद्योग लिमिटेड, जो मारुति की जो गाड़ियाँ आती हैं वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का एक एग्जांपल्स हैं। लास्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओनर एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स वर्कर और बोथ, जिसके अंदर हम देखें तो जो इसमें जो ओनर एंड ऑपरेटेड यानी कि जो ऑपरेट करते हैं उसमें प्रोड्यूसर यानी कि जो उत्पादक है सप्लायर जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं और वर्कर हैं वो एक साथ मिलकर अगर किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं तो वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज कहलाती है। इसके एग्जांपल में देखें हम आनंद मिल उद्योग लिमिटेड, आनंद मिल उद्योग लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस स्टोरी ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर, यानी कि आनंद मिल है जिसमें हम अगर अमूल दूध को देखें तो आनंद मिल्क से आता है, और सेकंड इज सुधा डेयरी जो इस तरीके के जो कोऑपरेटिव जो वेंचर्स हैं जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिसमें इन सभी ने जो प्रोड्यूसर है सप्लायर है और जो वर्कर्स हैं उन्होंने मिलकर इस चीज़ को चलाया है, तो ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। द स्टूडेंट द ओनरशिप बेस्ड इंडस्ट्री डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्री, सेकेंड इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, थर्ड इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड फोर्थ इज द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री।